नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंजलि खेर जी की लिखी कहानी अजनबी कौन हो तुम। पार्ट वन में अभी तक आपने सुना कि संदली एक ऑफिस में काम करती है। रोजाना उसके ऑफिस पहुंचते ही एक अजनबी उसे फोन करता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अंजलि कौन सी ड्रेस पहनकर आई है, उसकी मैचिंग का पर्स कैसा है, ये सब वो ऑब्जर्व करता है और उसकी तारीफ करता है। यूं तो संदली को उसका फोन करना अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे वो संदली के दिल में अपनी जगह बना लेता है। पर कोई नहीं जानता कि अजनबी कौन है। संदली श्रेया को बताती है कि वो अजनबी ये तक जानता है कि उसने कौन सा परफ्यूम यूज किया। अब आगे शाम को घर पहुंचते ही श्रेया मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले जाकर मुझसे पूछने लगी, हाँ तो बताइए मेरी सुंदरी, आपके अनजान प्रेमी ने आपकी तारीफ में क्या कहा? मैंने कसकर उसका हाथ थामा और बोली, श्रेया आज तो हद ही हो गई यार, वो मेरे इतने करीब था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। मैंने उसे आज की पूरी बात विस्तार से बताई तो वो भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, दी तुम भी कितनी अजीब हो ना, इतना सुनहरा मौका तुमने आज गवा दिया। अच्छा तो फोन पर बात करके उससे एक बार मिल तो, पर जब भी मिलो तो मुझे अपने साथ ले चलना, मैं तुम लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस उसे एक नजर देखकर वापस चली आऊंगी। मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी सोनी दीदी पर लट्टू होने वाला उसके टक्कर का है भी या नहीं। अगले दिन छुट्टी थी, देर तक अलसाई सी बिस्तर में ही लेटी थी कि मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड अवनी का फोन आया। संदली आज तू घर पर ही है ना, मैं तेरे घर तुझे एक सरप्राइज न्यूज सुनाने आ रही हूँ। मैं झटपट तैयार होकर उसका इंतजार कर ही रही थी कि देखा अवनी आ गई थी। उसे देख मैं भी खुशी से झूम उठी थी। मैंने उसे झकझोरते हुए पूछा, अवनी पता ना क्या सरप्राइज है, कहीं तेरी शादी तो पक्की नहीं हो गई? अवनी बोली, अरे अंदर आने देगी कि बाहर ही पूछकर बिना खिलाए पिलाए यूं ही भगा देगी? अरे चल अंदर आ। और मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने अधीरता से पूछा, अरे जल्दी बताना क्या खबर सुना रही है? तो अवनी ने अपने पर्स से एक सुंदर सा कार्ड निकाला और मेरे हाथों में थमाते हुए बोली, संदली ये रहा मेरा शादी का कार्ड, भाई इस दौड़ में तो मैं तुमसे आगे निकल गई, अब तेरी बारी है और मुझे यकीन है कि मेरी शादी के बाद अब दूसरा तेरा ही नंबर है। तुम कैसे इतना यकीन से कह सकती हो? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे अभी से घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, मैंने अवनी से कहा तो वो बोली, अरे संदली ये सब कहने की बातें हैं, देखना मेरी शादी के दिन भी तुझे एक और सरप्राइज मिलेगा और फिर मैं तुझसे पूछूंगी कि तू शादी का लड्डू खाना चाहती है या नहीं। अरे चल मेरी छोड़, अभी मुझे बता कि मेरे जीजू कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, मैंने पूछा। अवनी ने अपने मोबाइल में अपनी सगाई की फोटो दिखाते हुए कहा, यार संदली हमारी सगाई तो ऐसे ही जल्दबाजी में मेरे कजन की शादी के साथ ही हो गई, मैं तुझे बुला ही नहीं पाई। ये देख ज्यादा फोटो तो नहीं है पर दो तीन फोटो जो अच्छे हैं वो तुझे दिखाती हूँ। फोटो देखते ही मैं बोल पड़ी, आहा क्या बढ़िया जोड़ी है, सच नजर ना लगे तुम दोनों को। अवनी बोली, संदीप तुम्हारे जीजू मुंबई में एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और उनसे मेरी मुलाकात मुंबई में ही 6 महीने पहले मेरी कजिन की शादी में हुई थी। बात बात पर शायरी करने के मेरे अंदाज पर उनका दिल आ गया, उन्होंने मुझे वहीं प्रपोज किया, पापा को भी रिश्ता भा गया तो वहीं हमारी शादी पक्की हो गई। संदली शादी आज से 45 दिन बाद है, तुझे शादी के हर फंक्शन में मेरे साथ रहना है, ऑफिस का कोई बहाना नहीं चलेगा, 10-15 दिन की छुट्टी ले लेना, हम खूब मस्ती करेंगे। अवनी बोली, तो मैंने कहा, अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है, हम सब तुम्हारी शादी में ऐसा धमाल करेंगे ना। और हाँ सुन, ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था होनी चाहिए, मैं तेरी शादी में खूब गाने गाऊंगी, बहुत दिनों से मेरे सरमान को पूरा करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं और अवनी हंसी मजाक गप्पे कर रहे थे। श्रेया गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आई। अवनी बोली, श्रेया मेरी शादी का लहंगा तुझे ही डिजाइन करना है, मैं बस तुझे लहंगे का कलर डिसाइड करके कल ही तुझे बता दूंगी और तुम्हारे जीजू के ड्रेस और मेरे लहंगे की मैचिंग का ध्यान रखना है, तो बस उनसे बात करके मैं कल ही तुझे फाइनल बता दूंगी। मैंने कहा, वाह भाई बड़ी अच्छी प्लानिंग है, सुन मुझे भी ये सारी बातें बताती जाना, मेरा दिमाग नहीं चलता इन सब बातों में। अवनी बोली, तू चिंता मत कर, तेरा होने वाला पति ही तुझे ये सब समझा देगा, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ तुझे तो जैसे पता ही है कि मेरी शादी किससे होने वाली है ना। अवनी बोली, ऐसा ही सोच ले। पूरा दिन यूं ही मस्ती में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लंच लेने के बाद अंजलि अपने घर रवाना हो गई। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी थी, अवनी की शादी की तैयारियों के लिए लंबी सी फहरिस्त जो तैयार करनी थी। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद मैंने अवनी की शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी, पर हमेशा की तरह उस अनजान का फोन उस दिन नहीं आया। 3 महीने बाद ऐसा पहला मौका था जब उसका फोन नहीं आया। मैंने भी सोचा, मैं क्यों उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब करूं, हो सकता है यूं ही फोन लगाकर टाइम पास कर रहा हो, ना करे तो ना करे फोन। पर लगातार कई दिनों तक उसका फोन नहीं आया, मैंने भी उसके बारे में
सोचना ही बंद कर दिया था। अब मैं अवनी की शादी के हर फंक्शन के लिए अलग अलग तरह की ड्रेसेस श्रेया से डिजाइन करवा रही थी। तीन ड्रेसेस तो फाइनल हो गई थी, पर शादी के दिन के लिए जब ड्रेस के कलर को फाइनल करने की बात आई, तो जाने अनजाने मेरे दिमाग में उस अनजान के फोन करने वाली बात याद आई। संतली, तुम गोल्डन कलर की ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हो। न चाहते हुए भी मैंने श्रेया से कहा, श्रेया मेरे लिए तो गोल्डन लहंगा ही तैयार करना। श्रेया बोली, दी तो कुछ भी कह ले, पर उस अजनबी को तू आज भी भुला नहीं पाई है। मैंने कहा, हाँ श्रेया, आज मुझे भी यकीन हो गया है कि भले ही मैंने उसे देखा नहीं, उससे कभी मिली नहीं, उसे जानती भी नहीं कि वो कौन है, कैसा है, पर फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे सपनों का राजकुमार वही है। अवनी के घर लेडीज संगीत था। सुबह से ही मैं उसके घर पर थी। शाम के लिए गाने, डांस आदि की तैयारी हम सब ने कर रखी थी। हालांकि मुझे डांस करना तो आता ही नहीं था, पर अपनी सहेलियों और श्रेया के साथ थोड़ा मटक ही लिया। इस बीच मैंने महसूस किया कि दो आंखें हर जगह मेरा पीछा करती रहती हैं। वो कौन था पता नहीं, वो हैंडसम सा लड़का अवनी यानी लड़की वालों की ओर से ही था। कभी अवनी की मम्मी से कुछ पूछने आता तो कभी मेरे हाथों से सामान लेकर यहां वहां रखने में ही व्यस्त था। मेहमानों से घिरी और शादी की रस्मों में व्यस्त अवनी से मैं चाहकर भी पूछ नहीं पाई कि आखिर ये लड़का कौन है। लड़का जो भी था पर वाकई मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला था। कोई भी लड़की एक बार उसे देखे तो नजर ही ना हटे। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। अवनी के घर हर तरफ चहल पहल और रौनक थी। अवनी के हर काम में हाथ बटाने मैं हमेशा उसके साथ ही रहती थी। ब्यूटी पार्लर में अवनी को तैयार कराने भी मैं ही उसके साथ गई, तो श्रेया आंटी के साथ काम में मदद करने घर पर ही रुक गई। अवनी के साथ मैं भी पार्लर में तैयार होकर आई। जैसे ही मैरिज हॉल पर हम दोनों पहुंचे, अवनी की मम्मी यानी आंटी ने मेरे माथे पर किस करते हुए कहा, काश मेरा बेटा होता तो आज अवनी को विदा करती और तुझे अपने घर ब्याह ले आती। सुनकर अवनी बोली, मम्मी कोई बात नहीं, जिससे संदली की शादी होगी उसे ही अपना बेटा बना लेना और इसे बहू बनाकर जितना चाहे प्यार अपनी लाडली बहू पर लौटा लेना। देर रात बारात आई। चूंकि अवनी की कोई बहन नहीं थी, तो दूल्हे के जूते छिपाने की रस्म में मैं ही सबसे आगे थी। जूते वापस देते समय जीजू से अपनी मुंह मांगी रकम लेने की बात पर जब मैं अड़ गई, तो वही हैंडसम सा लड़का मेरे तर्कों की हां में हां मिलाकर मेरी तरफदारी करने लगा और जीजू से पैसे निकलवा कर ही उसने दम लिया। एक के बाद एक सभी रस्में होती गईं। साथ ही एक और ऑर्केस्ट्रा भी अपने पूरे रंग पर था। तभी अवनी बोली, अब संदली मेरे लिए एक बेहतरीन सा गाना गाएगी। हालांकि मुझे स्टेज पर गाना गाने की आदत थी, पर फिर भी इतने सारे लोगों के बीच गाना गाने में मुझे हिचक हो रही थी। मेरे हेजिटेशन को देखते हुए श्रेया भी बोल उठी, गाओ ना दी, तुम्हारा वही पुराना फेवरेट वाला गाना। हाँ हाँ प्लीज गाइए ना, हम भी सुने कि अवनी की बेस्ट फ्रेंड कैसा गाना गाती है। आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने, वैसे आप डांस तो बहुत अच्छा कर लेती हैं। मैंने देखा तो वही हैंडसम जो दो दिन से मेरे आगे पीछे घूम रहा था मुझसे गाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मुझे सिर झुकाकर खड़ी देख अवनी बोली, अरे इतने स्पेशल लोग तुम्हारा गाना सुनने को बेकरार हैं, चल फटाफट गाना सुना दे। श्रेया मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर ले गई और मेरे हाथों में उसने माइक थमा दिया। मैंने म्यूजिशियन को अपने गाने के बारे में बताया। गाना पूरा होते ही महफिल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैं हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर ही रही थी कि वही हैंडसम अवनी का हाथ थामे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कने न जाने क्यों जबरदस्त तेज गति से बढ़ती जा रही थी। वो मेरे पास आया और बोला, संदीप मेरी नजरों ने तो तुम्हें बहुत पहले ही प्यार के काबिल मान लिया है, पर अब ये बताओ कि क्या तुम्हारी नजरों ने मुझे प्यार के काबिल माना है या नहीं। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं अवनी से इशारे में पूछ ही रही थी कि ये सब क्या है। वो हैंडसम फिर बोला, संदली आज मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करता हूं। और मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अनायास ही मेरे दिमाग में उस अनजान फोन करने वाले का काल्पनिक चित्र बन गया। काश वो यहां होता और मुझे प्रपोज करता। मुझे सोच में डूबे देख वो फिर बोला, क्या सोच रही हो संदली, आज भी तुम गोल्डन ड्रेस में उसी दिन की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो ना।
देखना ऑफिस कॉल करके रोज रोज परेशान करने वाला सारी जिंदगी तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं आश्चर्य से कभी अवनी तो कभी श्रेया की ओर देख रही थी। फिर अवनी ही आगे आई और उसने मेरा हाथ पकड़कर उस हैंडसम के हाथों में थमा दिया। मैंने कहा था ना कि मेरी शादी में तेरे लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है। कैसा लगा ये सरप्राइज? ये मेरा कजिन है अजिंक्य, तुझसे बहुत प्यार करता है और उसने ये बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी, जब से उसने तुझे एक बार मेरे घर पर देखा था। मेरे होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। श्रेया तेज कदमों से मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ थामा, हल्के से दबाया, आंखों ही आंखों में कह रही थी, ये अजनबी तो तुम्हारे टक्कर का है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुत्थी सुलझी गई थी कि वो अजनबी कौन था। दोस्तों आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी कहानी अजनबी कौन हो तुम। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। जो भी संदेश, जो भी मैसेज आप अंजलि जी के नाम देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।